राधे राधे जय श्री कृष्ण। दोस्तों यहाँ आप देख सकते कितने प्यारे नन्हे मुन्ने चूजे हैं और हमारे घर में आए हैं नया मेहमान। तो यहाँ मेरा जो छोटा बेबी है बाब लक्की वह खेल रहा है। देख सकते हैं कितनी सुंदर मुर्गी है और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। तो दोस्तों आज हमारे हस्बैंड गए थे राजस्थान, वहाँ से लाए थे 4 बकरा काम करने के लिए। और इन्होंने साथ में, मैंने बोला था कि चूजे का बच्चा ले आना कि हम कुछ पाल लेंगे, हमारा थोड़ा बहुत बिजनेस हो जाएगी। तो दोस्तों इसी वजह से उन्होंने अभी 8 बच्चे लाए हैं। और यह जो मुर्गी का बच्चे हैं वह है देसी, क्योंकि देसी है काफ़ी ज़्यादा पैसे में बिकती है, तो इस वजह से मैंने बोला था उनको देसी मुर्गा लाना। दोस्तों यह बिज़नेस बहुत ही अच्छा है, आप एक हाउस वाइफ है तो आप घर पर कर सकते हैं और बहुत ही आरामदायक है। घर में बैठे बैठे कुछ नहीं करना, आपको दाना वगैरह जो घर में बचा कुचा खाना है वो दे सकते हो या फिर जो आपको पसंद है वह खिला सकते हो। और यह बहुत ही महंगे बिके जाते हैं, तो दोस्तों घर पर कम रेट पे अच्छा बिजनेस करने का यह एक तरीका है। तो देख सकते हैं यह एक मुर्गी का है, ये 8 बच्चे हैं और बहुत ही प्यारे और सुंदर सा है। और मेरा लक्की बाबू है वो पहली बार देखा है तो हैरत अंगेज है, उसके पीछे पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि अभी छोटा बेबी है तो थोड़ा बहुत उसको अलग लगेगा ही। दोस्तों मैं पहले भी मुर्गी पालती थी, मुर्गी के बच्चे पालती थी, बहुत ही फायदे होते हैं इसमें। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगता है बच्चे पालना चूजे। मैं तो कई साल से पाल रही थी बट काफ़ी टाइम से छोड़ रखी थी। तो दोस्तों हमने फिर से शुरुआत कर लिया है, या घर बैठे नौकरी मतलब एक तरह से बिजनेस हो गया, बहुत ही आरामदायक काम है और कोई भी ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह 1300 का, इसके 8 बच्चे और साथ में एक मुर्गी मिल गई है, तो बताइए कितनी अच्छा और बेस्ट है। यहाँ लकी है वो पकड़ रहा है, परेशान कर रहा है मुर्गी को, तो मैं अभी रख देती हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा है कि आपको हमारे यह छोटा सा व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। छोटा बेबी है वो परेशान कर दिया मुर्गी को, तो कोई बात नहीं दोस्तों।